हम खरीद के लेके आए। शाम को गुरु जी के पास गए, फिर गुरु जी ने, गुरु जी को तो सब पता होता था, फिर भी मुझे पूछा कि क्या खरीद के लेके आई। तो मैंने गुरु जी को बताया, कहते कितने का लेके आई, तो फिर मैंने वो भी गुरु जी को बताया। तो ऐसे ही गुरु जी आशीर्वाद देते रहते थे। मेरी तो कुछ समझ में आती नहीं थी, मैं तो मुंह खोलती नहीं थी, बहुत कम खोलती थी। बाद में थोड़ा टाइम, 2-4 महीने के लिए मैं फ्री हो गई थी, बट कुछ भी पूछ लेती थी मैं। तो एक दिन रात को 3 लेडीज बैठनी थी गुरु जी के पास, करीब 2 बजे थे, अराउंड 2 o'clock। मैं थी एक, वहीं की लेडी थी वो, उसका वो अपने ड्राइवर और गाड़ी के साथ आई थी, और एक गुड़गांव की लेडी थी वो भी टैक्सी लेके आई थी। तो 2 बजे अचानक गुरु जी ने कहा चलो चलते हैं। तो हमने कहा कहाँ गुरु जी? तो कहते बड़े मंदिर। हम तीनों लेडीज को लेके गुरु जी बड़े मंदिर गए, और बड़े मंदिर में हमको उन्होंने गुरु जी के पास बिठा दिया, सॉरी शिव जी की मूर्ति के पास बिठा दिया, और उन्होंने कहा कि बैठे रहो, मैं अभी आया। मैंने कहा, हम बैठे रहे तीनों, और तीनों ने, हमने एक वर्ड भी नहीं बोला, एक दूसरे से भी नहीं बोला, गाड़ी में भी नहीं। गुरु जी आगे गाड़ी में थे, हम तीनों लेडीज पीछे की गाड़ी में थी, वो लेडी की गाड़ी में थी। और 15 मिनट भी नहीं हुए थे और गुरु जी बाहर आ गए कमरे से, और फिर कहते चलो एम्पायर स्टेट वापस चले। तो आई वॉज थिंकिंग कि ये क्यों हमको लेके गए, 15 मिनट भी नहीं हुए, चाय प्रसाद भी नहीं पिलाया, गुरु जी यहाँ क्यों लेके आए हमको इतना कम टाइम के लिए। और मैं सोचती रही सोचती रही, फिर एम्पायर गुरु जी आगे आगे अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ, और हम वो गुड़गांव वाली जिसकी अपनी गाड़ी थी उसके ड्राइवर के साथ, तीनों लेडीज बैठी। और एम्पायर स्टेट पे गुरु जी ने अपनी गाड़ी रोक दी और हमको बोला अब तुम यहाँ से चले जाओ, मतलब हमको अंदर नहीं लेके गए एम्पायर स्टेट में, मेन गेट पे ही रोक दी थी गुरु जी ने गाड़ी। और गुरु जी ने दरवाजा खोला, फिर हमने पैर छुए, थैंक यू गुरु जी की इतनी तो कल आई कि हम पैर छुए उस टाइम गुरु जी के। फिर गुरु जी ने कहा जाओ, तो हम चले गए रात को। और फिर मैं पूरी रात पूरा डे सोचती रही कि क्यों मुझे 15 मिनट के लिए लेके गए थे, बट गुरु जी कभी कुछ एक्सप्लेन नहीं करते थे। तो मैं जब नेक्स्ट डे गई गुरु जी के पास 6:30 बजे, तो गुरु जी ने अपने पास बुला के मुझे कहा, मैंने नहीं पूछा, मैं कैसे पूछती कि गुरु जी आप मुझे क्यों कल रात को लेके गए थे। मुझे फिर उन्होंने कहा कि मैंने तुझे ये आशीर्वाद दिया कल, वो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था, बहुत बड़ा आशीर्वाद था, कभी गुरु जी बोलेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो ऐसे गुरु जी ने मुझे बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद दिए, बहुत बड़े बड़े। 2014 में एक दिन गुरु जी ने हमें कहा कि आई थिंक 12th अप्रैल था, वो सबीना को बोला कि जा इसको लेके जा वहां पे है जेबी गुप्ता की दुकान पे, कुछ खरीद के लाएगी। तो हम गए सबीना आंटी के साथ, नेक्स्ट डे बैसाखी का दिन था, 2007 की बैसाखी के दिन। तो हम लोग वहां पे मिले जीके में, और फिर वो हमको शॉप पे लेके गई। वहां पे हम नॉर्मली, हमारी लेडीज की आदत होती है कि डायमंड की, गोल्ड की शॉप पे जाओ तो घंटों हम स्पेंड करते हैं डिजाइन चूज करने में। हम यहाँ भी आधा घंटा भी नहीं हुआ था, तो गुरु जी का फोन सबीना के फोन पे आया कि जल्दी करो, शाम को फंक्शन में जाना है। तो हमने जल्दी जल्दी से कुछ लिया और हम निकल गए उनकी शॉप से। तो मैं सोच रही थी, मैंने पहले भी सुना था कि गुरु जी किसी की, सबको किसी किसी को भेज देते हैं उनकी दुकान पे। तो फिर मैं सोच रही थी कि गुरु जी सबको यहाँ पे क्यों भेजते हैं, बड़ी अनइम्प्रेसिव सी दुकान है, एक छोटा सा, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट सॉरी। तो जब हम एंटर हुए तो हमें लग रहा था कि शायद नहीं मिलेगा कुछ यहाँ पे, लेकिन जब अंकल ने बिल वगैरह पे कर दिया तो वो गए, हमारे वहां से निकलते ही बैंक गए, तो बैंक में वो चेक कैश नहीं हुआ। तो उन्होंने अंकल को फोन करके बोला अंकल आपका चेक कैश नहीं हुआ। तो नेक्स्ट डे अंकल वापस आ रहे थे, तो अंकल ने बोला मेरी वाइफ आके कल दे जाएगी। जब मैं नेक्स्ट डे दुकान पे गई तो मैंने कहा अंकल, मैंने उनसे पूछा, जब मैंने कहा आप कितने सालों से गुरु जी को जानते हो जो सबको गुरु जी आपकी दुकान पे भेजते हैं, इसे मैंने तो गुरु जी से कभी नहीं मिला, मैं कल पहली बार गया था। मैंने कहा अच्छा, के गुरु जी खुद आए थे इस दुकान पे, और सुधा आंटी की ग्रैंड डॉटर के लिए कुछ खरीदने के लिए आए थे गुरु जी। आप देखिए संगत जी कि वो कितनी ब्लेस्ड तो होगी, और बहुत ऑनेस्टी से अपना काम करते होंगे, तभी गुरु जी ने उनको जाते जाते दर्शन देने के लिए बुलाया था। अगर वो हमको नहीं भेजते तो शायद वो, शायद ना जाते उस दिन,
उस दिन के बाद गुरु जी जा रहे थे, तो गुरु जी ने हमको भेजा और उसी दिन शाम को फिर वो गुरु जी के दर्शन करके आए। इसे मैंने पहली बार गुरु जी को कल रात को देखा था, और जब गुरु जी मेरी शॉप पे भी आए थे तो मैं वहां पे नहीं था। इसलिए जरूरी नहीं है कि जो गुरु जी के पास हमें हमेशा के, जो लोग गुरु जी के पास नहीं आते वो अच्छे लोग नहीं होते या वो संगत नहीं होती। मैं हमेशा ये कहती हूँ, सारी सारा यूनिवर्स गुरु जी की संगत है, सम सब क्यों में है। जो जुड़ गए वो बाद में जुड़ जाएंगे, आज नहीं तो कल जुड़ ही जाएंगे। गुरु जी शिव जी हैं तो मोक्ष देने के लिए तो शिव जी के पास आना ही पड़ता है। ह्यूमन लाइफ का एम ही है मोक्ष है, कि हमको शिव जी मोक्ष दे सकते हैं, तो सबको एक ना एक दिन आना है। तो पूरा यूनिवर्स गुरु जी की संगत है, सारी दुनिया गुरु जी की संगत है, तो हमको हर इंसान को बहुत प्यार से ट्रीट करना चाहिए। गुरु जी यही सिखाते थे। और 14 अप्रैल को जब मैं गुरु जी के पास गई, मेरे अंकल तो सुबह ही आ गए थे, मैं शाम को गई, तो गुरु जी ने मुझे एक सेंटेंस कहा अपने पास बुला के साइड टेबल पे, मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। अब वो गुरु जी का सेंटेंस मुंह से सुनते ही मैं इतनी ज्यादा अपसेट हो गई। मैंने सोचा ये सत्संग कैसे होगा वहां पे, गुरु जी को कोई जानता नहीं, मैं सत्संग कैसे कराऊंगी, मैंने कोई सत्संग इससे पहले अटेंड नहीं किया था, मैं तो गुरु जी के पास ही जाती थी, तो ये सत्संग कभी नहीं हो पाएगा। और मैंने गुरु जी को थैंक यू भी नहीं कहा। अब देखिए वो भगवान है, इसलिए उन्होंने मुझे माफ कर दिया कि मैंने उनको किसी भी आशीर्वाद के लिए थैंक यू नहीं किया, क्योंकि मैं वो आशीर्वाद समझ ही नहीं पाती थी गुरु जी के। मुझे इतने सालों बाद समझ में आया कि गुरु जी ने देखो मुझे कैसे अपने पास रखा हुआ है। ऐसे ही गुरु जी ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, हील हो जाएंगे। 2 साल तक मैंने सोचा भी नहीं कि हम सत्संग शुरू करें, और फिर बाद में सत्संग शुरू हो गया, वो गुरु जी ने करवा दिया। तो ये भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि हम इतने ना समझ होते हम हमारा। बट देखिए मैंने कुछ किया नहीं गुरु जी के लिए, पर मेरा ध्यान जिस दिन से मैंने गुरु जी को देखा गुरु जी में ही रहता था, और मैंने ये सीखा है कि हमें हमेशा गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहिए, गुरु जी को प्रे करना चाहिए। और अब इतने सालों बाद ये सीखा है हमको गुरु जी को गुरु जी के लिए प्रे करना चाहिए। हम तो पता नहीं धरती पर कितने साल हैं, तो हमें गुरु जी के लिए प्रे करना चाहिए। हर रोज ये कहना कि मेरा ये ठीक कर दो, मेरा वो ठीक कर दो, कोरोना ठीक कर दो, फैमिली मेंबर ठीक कर दो, उससे बेटर है कि हम गुरु जी के लिए प्रे करें। गुरु जी भगवान है, उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि उनको किसके लिए क्या करना। हमें रोज रोज परेशान करने की जरूरत नहीं होती। गुरु जी परेशान हो जाते हैं तो कभी कभी बोल देते हैं जा दिया। मैंने एक सत्संग सुना था किसी एक आंटी से कि उनकी बेटी के बच्चे नहीं थे, तो गुरु जी को वो आके बोलती थी गुरु जी मेरी बेटी का बेबी नहीं है, तो गुरु जी कहते थे रुक रुक हमेशा। गुरु जी ना तो किसी को बोलते ही नहीं थे। एक दिन उसने कुछ बोल दिया, 2-3 साल हो गए थे बच्चे नहीं हुए उसकी बेटी के, और जो भी संगत आती थी किसी किसी का मतलब ब्लेस कर देते थे, हो जाता था इन ए ईयर। तो एक दिन उन्होंने कुछ कह दिया आंटी को, गुरु जी ने कहा जा दिया, और एग्जैक्टली 10 मंथ्स के बाद उसकी बेटी का बेबी हुआ एंड हर डॉटर डाइड। तो भागी भागी रोते हुए आई गुरु जी के पास, तो गुरु जी ने कहा मैं तुझे कितना कहा था रुक रुक रुक। गुरु जी को टाइम का और सब कुछ पता होता है, सही टाइम पे गुरु जी आशीर्वाद देते हैं, हमें वेट करनी थी, पेशेंस भी हमको गुरु जी सिखा देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि 2007 में जब गुरु जी चले गए, 2007 में, ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि जाने से पहले गुरु जी ने मेरे यहाँ आने से पहले मैं 23 अप्रैल को वापस आई हूँ, उससे पहले एक दिन बैठे हुए थे गुरु जी, और गुरु जी ने मुझसे कहा इस दरवाजे के अंदर जो आ जाता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी किसी का देरी से। ये मैं एक्सप्लेन आपको बाद में करूंगी, पर ये गुरु जी ने अपने मुंह से सेंटेंस बोला था, ये मैसेज मैं आपको गुरु जी का दे देती हूँ कि किसी का जल्दी ठीक होता है किसी का देर से, बट हर हालत में गुरु जी के पास जो आ गया उसका सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में आपको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ओवरऑल चीजें ठीक करते थे और सटल वे में करते थे, हमको पता भी नहीं लगता था कि क्या क्या ठीक किया है गुरु जी ने और कैसे ठीक किया। और 2007 में एक दिन गुरु जी ने मुझे अपने पास बुला के कहा मैं तेरा नाम चेंज कर देता हूँ। वो मुझे 2004 में पहले उन्होंने कहा था मैं तेरा नाम मीरा रखता हूँ, तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे लगा इस एज में नाम चेंज करूंगी, तब मैं 45 की थी।
तो सब लोग हंसेंगे। मैंने गुरु जी को कहा, गुरु जी इस उम्र में नाम चेंज करूंगी तो सब हंसेंगे। तो गुरु जी चुप हो गए, गुरु जी ने कुछ नहीं बोला। आप बोल देते हो तो गुरु जी कुछ नहीं बोले। फिर 2007 में फिर जाने से पहले एक दिन मुझे गुरु जी का अयोध्या में गई तो उन्होंने कहा, जा तेरा टेवा कहीं भी तू दिखा ले, तेरा टाइम खत्म हो गया है। और मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है कि 60 के बाद मेरी लाइफ नहीं होगी। जब मैं गई थी तो मैं 45 की थी और इसलिए मैंने नहीं दिखाया, नहीं तो गुरु जी सबको एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के लिए मना करते थे। लेकिन मेरे हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है कि मेरी लाइफ खत्म हो रही है। तो देखिए गुरु जी कितनी हेल्प करते हैं आपको, कितना बड़े बड़े आशीर्वाद देते हैं, पर हम लोग सब कुछ खो देते हैं अपनी गलतियों से। एक बारी ऐसे ही हम रात को बैठे थे तो गुरु जी ने कहा, मैं तेरा नाम गौरी रख देता हूँ। उस टाइम में एक वर्ड भी नहीं बोली, मैं चुपचाप सुन लिया वो। अब मैंने जवाब नहीं दिया गुरु जी को, लेकिन क्योंकि उससे 3 4 दिन पहले गुरु जी एक दिन अपने स्थान पे बैठे हुए थे तो मैंने जब माथा टेका तो मुझे गुरु जी ने कहा, जब मेरी बेटी की शादी का डेट डिसाइड हुआ था, ये तब की बात है, मैंने कहा गुरु जी हमें तो डेट चेंज करनी पड़ेगी। मैंने कहा आप तो आओगे नहीं शादी में, तो उनने कहा, उनने मुझे कहा, जो गुरु बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। ये मुझे गुरु जी ने कहा, जो गुरु कहते हैं उसको बोलते हैं यस। एंड सेकेंड थिंग इज दैट, एक वर्ड बोला था उन्होंने और वो वर्ड था टेलीपैथी, मतलब कि मैं टेलीपैथी से बात करूंगा। उनको पता था वो जा रहे थे, मुझे नहीं पता था। तो जाते जाते वो मुझे गौरी नाम लेके गए, वो भी मैंने सीरियसली नहीं लिया। और मेरी बेटी ने जरूर मेरी फैमिली को फोन करके बोला था कि आप लोग, हमें तो अपनी मम्मी बुलाना पड़ेगा हमको, तो आप ना प्लीज मेरी मम्मी का आपको गौरी बुलाया करो, मेरी छोटी बहन सिस्टर्स को। तो मेरी छोटी सिस्टर मेरे से बहुत प्रिय है, तो उन्होंने कहा तुम्हारी मम्मी पागल हो गई क्या, इसे मैं नाम चेंज करने चलिए। वो बात वहां पे खत्म हो गई और फिर हमने नाम के बारे में सोचा भी नहीं। 2007 में गुरु जी के जाने के बाद एक छोटे बड़े मंदिर में छोटे छोटे ग्रुप में सत्संग होते रहते थे, तो वहां पे कोई सत्संग कर रहा था, छोटे ग्रुप में 4 5 लोग बैठे हुए थे और उसमें से एक लेडी कह रहे सुना रही थी कि मैं, किसी ने जाके गुरु जी को बोला, गुरु जी आप किसी किसी का नाम चेंज करते हो, ना आप मेरा भी नाम चेंज करो। तो गुरु जी ने कहा मैं तेरा नाम नहीं चेंज कर सकता। तो उसने कहा गुरु जी क्यों, तो उन्होंने कहा नाम किसी किसी का आता है ऊपर से। देन आई रियलाइज कि मैंने कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिस की कि गुरु जी ने मुझे दो दो नाम दिए और मैंने दोनों एक्सेप्ट नहीं किए। फिर भी हमने इतना मतलब ऑन पेपर्स तो नहीं चेंज कराया, लेकिन जब हम यहाँ पे सत्संग शुरू हुआ उसके बाद हम सबको मेरा नाम गौरी बताते थे। लेकिन हमारे जो पुराने जानने वाले हैं, हमारे अपने फ्रेंड्स हैं, वो मेरे को फर्स्ट नाम से बुलाते हैं, अब वो भी गौरी बुलाते हैं क्योंकि मेरे पासपोर्ट पे भी नाम चेंज हो गया है। और देखिए 2007 में गुरु जी के जाने के बाद मैं एक बैंक में गई, गुरु जी को बहुत मिस करती थी तो मैं एक बैंक में गई। तो वहाँ बैंक में कुछ काम से गए थे, मैं और अंकल दोनों गए थे। तो जब हम निकल रहे थे तो उन्होंने मेरे को एक एनवेलप दे दिया एंड ही सेड हियर इज योर पासवर्ड। मैंने पासवर्ड अप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, कैसे मुझे दे दिया ऐसा मुझे नहीं समझ में नहीं आया। पर मैं इतनी जल्दी में थी कि वो एनवेलप लेके मैं निकल गई। अभी मैं 1 मिनट हुई थी, अभी नीचे बैंक से बाहर भी नहीं आई थी और एक बैंक से ही फोन आया और वो लेडी ने मुझे कहा, दिस पासवर्ड विल नॉट वर्क फॉर यू, विल गिव यू न्यू पासवर्ड। आई सेड ओके, और मैं गाड़ी तक भी नहीं गई, 1 मिनट फिर नहीं हुई और उसने मुझे फोन करके बोला योर पासवर्ड इज शिव मंदिर। तो देखिए ये बैंक में कभी ऐसा नहीं होता, कोई पासवर्ड फोन पे कभी कोई नहीं दे सकता। वो गुरु जी थे तो गुरु जी अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते थे हमेशा। धीरे धीरे हम लोग सब सेट हो गए अपनी लाइफ में। बहुत बहुत गुरु जी को मिस करते थे, बहुत मिस करते थे। तो मैं क्या करती थी, जब गुरु जी के छोटे छोटे ग्रुप में लोग सत्संग सुनाते थे तब मैं सबके नंबर ले लेती थी, क्योंकि सबका नंबर, सत्संग तो आप सुन नहीं सकते। फिर मैं यहाँ आके जब मैं अपना फ्री टाइम होता था तो मैं संगत को फोन करके उनके सत्संग सुनती थी। फिर एक बारी अभी रिसेंटली एक हमारी फ्रेंड सोनिया आंटी ने सत्संग सुनाया था, उनके हस्बैंड के एक्सीडेंट में डेथ हो गई,
वो कभी कभी आके मेरे पास बैठती थी, मैं उसको बुला लेती थी बिकॉज शी यूज्ड टू फील वेरी लो। तो मुझे लगता था मैं इसको क्या समझाऊं क्या बोलूं, कि वो भी गुरुजी से मिल चुकी थी कि ऐसा क्यों हुआ। और तो हमने एक दिन दिल्ली की पांच संगत को फोन किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर हमने इधर फोन किया, या क्या बोलते हैं, जलंधर में रमा बहल को, मेरी रमा बहल से अक्सर बातें होती रहती थी। तो उन्होंने हमको आधा घंटा सत्संग सुनाया, और फिर मैंने कहा चलो हिमाचल में मास्टर जी का सत्संग सुनते हैं। तो हमने जैसे ही मास्टर जी को फोन किया तो मास्टर जी ने हमको बोला, मैंने कहा हेलो मास्टर जी, तो ही सेड पांच फोन आप कर चुके हो, रमा बहन से आप सत्संग सुन चुके हो, मंत्र जाप किया करो। और उन्होंने मंत्र जाप की फर्स्ट लाइन बोली, और हम दोनों वर्कशॉप के भी, ये कैसे उनको पता कि हम पांच फोन तो हम दिल्ली में कर चुके हैं, रमा बहन जलंधर में रहती हैं। तो हमने उनको वापस फोन किया, मैंने कहा मास्टर जी आपको कैसे पता कि हम पांच फोन कर चुके हैं और रमा बहन ने हमको सत्संग सुनाया है। तो उन्होंने कहा ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है। तो गुरु जी वो स्पीकिंग थ्रू मास्टर जी, देखिए, और गुरु जी ने सबसे बड़ा मैसेज दिया कि आपको मंत्र जाप करना चाहिए। और ये मेरी एक लाइफ में जब प्रॉब्लम आई थी तो मैंने, मेरे घर वाले भी बहुत अपसेट हो गए सब कुछ के, ऐसा क्यों हुआ गुरु जी के रहते हुए। तो हमने एक पंडित जी से, अपने फैमिली पंडित से पूछा था, उन्होंने कहा कि तुम इतनी पूजा करती थी, तुमने सब पूजा छोड़ दी। तो मैंने कहा मैंने गुरु जी के कहने से छोड़ी है, क्योंकि गुरु जी ने मेरी पूजा छोड़वा दी थी। मैं पहले बहुत रिचुअलिस्टिक पूजा करती थी, ये सारी फोटो रखनी, सारे देवी देवताओं की, भगवान की फोटो रखनी, साफ करनी, जैसे नॉर्मल इंडियन घरों में होती है, वो गुरु जी ने छुड़वा दी। तो फिर मैंने सब कुछ बंद कर दिया, क्योंकि तब इतने सत्संग होते नहीं थे ना, सीडीज होती थी, शब्द सुनने के लिए कुछ होता था, कुछ भी नहीं होता था हमारे हाथ में जो हम करें। तो वो हमने सब छोड़ दिया और कुछ हमने नहीं किया। तो उन्होंने कहा अगर आपके गुरु ने पूजा छोड़ने के लिए बोला है, तो आपका गुरु जी का कोई जरूर मंत्र जाप होगा, वो आपको करना होता है। जब गुरु मंत्र देता है तो वो मंत्र का जाप करना होता है। और उसी टाइम, पता नहीं टाइम नहीं था या क्या नहीं था, वो मैंने नहीं किया। मुझे 2007 में गुरु जी की, आई थिंक 7 या 8 में, एक ड्रीम मैंने देखा, ड्रीम दर्शन में मैंने देखा कि क्या दर्शन, हाँ ये मैंने देखा 2015 में देखा था। एक तो मास्टर जी ने मैसेज दिया 2007 में, इतने सालों मैंने मंत्र जाप नहीं किया। 2015 में मैंने एक फिर ड्रीम देखा, मैंने ड्रीम में देखा कि मुझे किसी ने कहा चल उठ, शरीर छोड़ने का समय हो गया है, और 2:45 बज रहे हैं, शरीर छोड़ने का समय हो गया है। और मैंने साइड टेबल से अपनी जब घड़ी उठा के देखी, मोबाइल उठा के देखा, तो उसमें 2:36 हुए थे। ओहो, मैंने सोचा ये तो अभी सिर्फ 9 मिनट्स बचे हैं, ये तो मैं जा सकती हूँ। अगर 2:45 के बाद का टाइम होता तो आई वुड हैव थॉट कि ये तो कोई ड्रीम था, चलो कोई बात नहीं, सो जाओ। और मैंने सोचा 9 मिनट में तो मैं जा सकती हूँ। फिर मैंने एक बार ही सोचा अंकल को उठाऊं, तो उन्होंने, मैंने सोचा नहीं चलो अंकल को छोड़, तो अंकल को मैंने नहीं उठाया और मैंने आंख बंद करके मंत्र जाप किया। थोड़ी देर हुई तो मुझे लगा कि ये तो टाइम खत्म हो गया, मैंने आंख खोल के देखा तो वो फिर 2:50 हुए थे। तो और जितनी देर मेरी आंख बंद थी और मैं मंत्र जाप कर रही थी, मैंने उस ड्रीम में ही देखा, उसमें ही मैं भी एक ड्रीम देखा कि बाहर मेरे दरवाजे विंडो के बाहर गुरु जी व्हाइट कपड़ों में खड़े हैं। व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट के गुरु जी खड़े हुए हैं। देखिए अब मेरी इग्नोरेंस देखिए, कि मैंने उठ के गुरु जी को प्रणाम भी नहीं किया, ना ही मैंने गुरु जी को थैंक यू बोला, ना ही मैंने उठ के गुरु जी के रूम में आके उनको मत्था टेका, एंड मैं सो गई दोबारा। बार बार गुरु जी मुझे समझा रहे थे हर तरीके से कि मंत्र जाप किया करो, सब कुछ मंत्र जाप में ही है, आप मंत्र जाप करो आपको सब कुछ मिल जाएगा उसी में। एक आपने सुना है ना, राम से बड़ा राम का नाम, तो उसी में सब कुछ आपको मिल जाता है। तो वो भी फिर किसी वजह से नहीं हो पाया। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों नहीं हुआ, या तो मेरा टाइम नहीं था, मुझे कभी कभी लगता है गुरु जी मुझे अपने रहते रहते कह देते तो मैं शायद कर पाती। लेकिन मुझे एक बात हमेशा याद आती है, मैं इसके आगे भी सुनाऊंगी, कि एक बारी मैं महाभारत देख रही थी लॉकडाउन में,
तो लॉकडाउन में मैंने देखा, तब मुझे बात समझ में आई कि मैं क्यों इस बातें पहले नहीं समझी। नहीं तो आई रियली इस डिपेंड कि मुझे इस बातें पहले क्यों नहीं समझ आई। मैंने बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ी हुई थी गुरु जी के पास जाने से पहले। तो क्या हुआ कि मैंने तब समझ में, कृष्ण भगवान के पास दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों जाते हैं महाभारत के युद्ध से पहले, और युधिष्ठिर जाके किशन भगवान के चरण में बैठ जाते हैं, और दुर्योधन जाके उनके सर की तरफ बैठ जाता है, उनकी आंखों के सामने। तो किशन भगवान कहते हैं, मांगो युधिष्ठिर, तुम पहले आए हो, तुम मांगो। दुर्योधन कहता है, नहीं, मैं आपके पास बैठा हूँ, मैं पहले मांगूंगा। वो कहते हैं, ठीक है, तू पहले मांग ले। तो किशन वो मांगते हैं कि किशन भगवान कहते हैं, एक तरफ मेरी सारी सेना होगी और दूसरी तरफ मैं अकेला, मैं शस्त्र वस्त्र कुछ भी नहीं उठाऊंगा। अब आप डिसाइड कर लो कि किसको क्या चाहिए। तो दुर्योधन समझता है कि किशन भगवान तो कुछ शस्त्र तो उठाने वाले नहीं है, अकेले क्या करेंगे, तो मैं सारी सेना मांग लेता हूँ। तो दुर्योधन सेना मांग लेता है और युधिष्ठिर के पास किशन भगवान जाते हैं। तो युधिष्ठिर कहता है, भगवान, मैं डर रहा था कि कहीं इसने आपको मांग लिया तो मेरा क्या होता। भगवान कहते हैं, मैंने इसको बुद्धि नहीं दी मांगने की, मुझे तो ये मांग ही नहीं सकता था मुझे। तो देखिए वही बात है कि गुरु जी जिसको जब जब बात समझाएं वो समझा के ही रहते हैं, बट वो शायद टाइम से ही होगा। मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद टाइम नहीं था, नहीं तो इतने एक्सपीरियंस बाद में मुझे हुए मंत्र जाप करने के लिए। तो हम पहले भी कर सकते थे। फिर एक बारी मैंने एक और पावरफुल ड्रीम, मैं आज इसलिए बता रही हूँ ये सारे ड्रीम्स के आपको सबको मैं ये बता दूँ कि मंत्र जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन लाइफ में सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। किसी को कल थी, किसी को आज है और किसी को कल होने वाली है। हम यहाँ पे सब अपने कर्म काटने आए हैं, और कर्म बने हुए हैं हमारे पहले वाले, वो हमें खत्म करने और नए नहीं बनाने, तो वो सब मंत्र जाप से ही होगा। मंत्र जाप में इतनी पावर होती है। फिर एक बारी मैंने एक बार 2017 में एक ड्रीम देखा, और वो ड्रीम था कि मैं एक छोटे से थिएटर में बैठी हुई हूँ और मैं फ्रंट रो में बैठी हूँ, और वो 150 सीटिंग का एक थिएटर था, और पीछे मेरे हस्बैंड और चार पांच कोई बैठा हुआ लोग बैठे हुए हैं। तो कोई आया मेरे पास और 4x4 की लेमिनेटेड स्लिप थी उसके हाथ में, और जिसमें मेरा पुराना नाम लिखा हुआ था जो मेरी माँ ने मुझे दिया था उस जमाने में, मतलब मेरा नाम रखा गया था जन्म के टाइम पे। तो वो नाम पूरा पढ़ के, मैं वो नाम यहाँ नहीं रिपीट करूंगी, मैं उन्हें नाम अपना दोबारा नहीं लिया कभी, क्योंकि गुरु जी ने भी मुझे कभी मेरे नाम से नहीं बुलाया था। गुरु जी मुझे हमेशा त्यागी आंटी कहते थे। तो जब उन्होंने मेरा नाम पढ़ा तो मैंने कहा, हाँ जी, हिमेंट के आपका नाम है। मैंने कहा, हाँ जी, सर आज मैं समझ गई ड्रीम में कि मुझे मारने के लिए ले जा रहे हैं। फिर मैं पीछे गई और मैं पीछे जाके अंकल को चेन बैंगल सब ज्वेलरी उतार के देने लगी, और अंकल के एक्सप्रेशन चेंज हो गए, अंकल को लगा हो। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, सबको आगे पीछे जाना है, तो मैं जा रही हूँ। और मैं उनके हाथ में देके निकल गई। मैं निकली तो राइट साइड में एक डार्क लॉबी थी, और उसके बाद जैसे मैं लॉबी में टर्न किया राइट साइड पे, लेफ्ट साइड में एक छोटा सा डार्क रूम था जिसमें एक आयरन चेयर थी और तीन ना यंग लड़के थे, शायद जमीन पे मरे हुए पड़े थे, उनको गोली से मारा गया था। तो मैं कहने के लगी, हो भगवान, ये तो गुरु जी से मारेंगे तो मुझे बहुत दर्द होगी, मैंने ड्रीम में ही सोचा। देखिए संगत जी, गुरु जी को कितना पता है कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन मैं फिजिकल पेन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैंने मन में सोचा, वो ये तो गोली से मारेंगे तो बहुत डर होगा। तो उन्होंने मुझे इशारे से बोला कि आप ये आयरन चेयर पे बैठ गई, और सांस से ना फ्यूम्स आ रही थी, गैसेस आ रही थी। वो मैंने सोचा ये तो मेरे लिए ठीक है, चलो। तो उन्होंने, मैंने इशारा किया हाथ से और मैं वहां पे बैठ गई। मैं बैठ के जैसे ही चेयर के ऊपर, मैंने दो हाथ जोड़ के ऊपर, जैसे मरने के पहले प्रे करते हैं, मैंने गुरु जी को प्रे किया ऊपर देख के। मैं गुरु जी को विजुलाइज कर रही हूँ, वहां पे गुरु जी है नहीं, मुझे दर्शन नहीं दे रहे गुरु जी, मैं देख भी नहीं रही गुरु जी को, मैं जस्ट विजुलाइज कर रही हूँ हाथ जोड़ के कि मैं, कि भाई जैसे मरने से पहले प्रे करते हैं। और नेक्स्ट मोमेंट आई हर्ड की चलो उठो, आज का टाइम खत्म, मतलब उनका क्लोजिंग टाइम था। और मैं बाहर निकल गई और मैंने अपने हस्बैंड को बोला, हाँ, उन्होंने कहा आज का टाइम खत्म, कल आना, तो उनका क्लोजिंग टाइम था वो। तो जैसे मैं बाहर आई तो मैंने अंकल को बोला, उन्होंने मुझे ऐसा बोला है कि कल आना, कोई मरने के लिए भी कल जाता है क्या? अच्छा चलो कल देखते हैं क्या होता है।
और संगत जी नेक्स्ट डे मुझे शिवरात्रि का कपड़ा लेने कहीं जाना था, 2 दिन पहले की बात है, शिवरात्रि से पहले मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ, संगत फ्रेंड के साथ जा रही थी, और मैं जैसे ही गाड़ी में बैठी मैंने उसको ड्रीम सुनाना शुरू किया, और वो फ्लाईओवर पे पहुंचते ही मेरा ड्रीम जैसे ही खत्म हुआ, मैंने सुनाना खत्म किया, एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 8 गाड़ियां इन्वॉल्व थी। एक गाड़ी 180 डिग्री टर्न हो गई थी फ्लाईओवर के ऊपर, और एक कार की डिक्की से बेबी कॉट थी बाहर आके गिर गई, वो छोटी सी सॉरी कार चेयर थी, और वो कार चेयर नहीं थी सॉरी, हाँ प्रेम थी, प्रेम आकर बाहर आके गिर गई, और वो सारी गाड़ियां वहीं रुकी, किसी को स्क्रैच भी नहीं आया देखिए, और मुझे एक सिर्फ नाक पे स्क्रैच आया, और सारी जिस गाड़ी में मैं थी सबके एयर बैग्स खुल गए, और मैं गाड़ी में बैठी थी, सब ड्राइवर सब पैसेंजर्स नीचे, जो गाड़ी में जितने थे सारे नीचे उतर के खड़े रह गए, मैं गाड़ी में ही बैठी, पता नहीं मैं क्यों गाड़ी में बैठी, और अचानक एसी की ग्रिल से ना स्मोक आने लगी मेरे सामने, तो मैंने मेरी फ्रेंड को, वो भी देखो गाड़ी से नीचे उतर चुकी थी, तो मैंने उसको इशारे से बोला कि बोला देखा एसी की ग्रिल से स्मोक आ रहा है, कुछ देख ले गाड़ी में बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। और तब मुझे रियलाइज हुआ, गुरु जी ने मुझे बताया कि ओ मैंने कल ड्रीम में देखा था ये कल आना, तो गुरु जी ने मुझे वहां भी बचा लिया। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, वो गुरु जी कर सकते हैं, मल्टी मिलियनर बिलियनर भी एक सांस नहीं खरीद सकते अपने लिए, जो गुरु जी ने मुझे 2019 में, माय लंग्स वर वर्किंग ओनली 30%, डॉक्टर्स ने बोला इसका कोई चांस नहीं है, और फिर भी गुरु जी ने मुझे आज जिंदा रखा हुआ है, तो गुरु जी आपको अंदाजा है, लेकिन उसके लिए गुरु जी के आशीर्वाद के लिए आपको 1% तो करना ही पड़ेगा, और वो आप मंत्र जाप करते रहो, धीरे धीरे करके आपके बड़े आसानी से सारे कर्म कट जाते हैं। गुरु जी हमसे कुछ बड़ी बड़ी चीजें नहीं मांग रहे, गुरु जी ने कभी किसी से 1 पैसा नहीं लिया, कभी किसी से कुछ भी नहीं लिया, अगर वो किसी से कुछ करने के लिए कहते थे तो वो उनका टेस्ट होता था या उनके कर्म काटने के लिए होता था, गुरु जी खुद ही सारी दुनिया को देते हैं, तो गुरु जी को क्या, ना गुरु जी को कमी है और ना गुरु जी को किसी से कुछ चाहिए, हमको एक ही काम करने के लिए गुरु जी ने कहा है, वो हम गुरु जी की भक्ति करें, और उसी में सब कुछ मिल जाएगा हमको सब कुछ, और ऐसा नहीं है सबको कुछ ना कुछ चाहिए गुरु जी से, तो हमें मांगने की भी जरूरत नहीं है हमको। अभी मैंने रिसेंटली उषा भाटिया आंटी के सत्संग में सुना था कि गुरु जी कहते थे कि मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, और उषा भाटिया आंटी को कहा उन्होंने कि तू मेरे लिए पाठ किया कर, तो यही सबसे बड़ा मैसेज, हर सत्संग जब हम सुनते हैं तो उसमें से एक ना एक मैसेज जरूर होता है जो उसको हम कैच कर सकते हैं, पूरा सत्संग तो कभी किसी का याद नहीं रहता, तो मैसेज हमको जरूर अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। तो आप, मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा है कि गुरु जी का मंत्र जाप बहुत पावरफुल है, और उसको सब कुछ मंत्र जाप में समाये, आपको मंत्र जाप करना ही चाहिए, ये नहीं कि 24 घंटे सत्संग सुने रहो और 5 मिनट भी मंत्र जाप न करो। गुरु जी ने देखो, गुरु जी हमारे प्रैक्टिकल गुरु थे, सारी दुनिया में मंदिर सुबह खुलते हैं, हमारे गुरु जी शाम को खुलते थे, शिवरात्रि जैसा फंक्शन भी शाम को होता था, गुरु जी कहते थे सब कुछ काम से फ्री होके फिर मेरे पास आओ, टेंशन फ्री होके और घर जाके सो जाओ, गुरु जी खिला पिला के खूब ऐश कराते थे कि आप गुरु की भक्ति करो, संसार में आयो नाम जपने के लिए तो नाम जप के जाओ, 24 घंटे मंत्र जाप में थोड़ा टाइम करना ही चाहिए, यहाँ तक कि जिनको गुरु जी प्रैक्टिकल थे इसलिए बोलते थे कि बाथरूम में भी कर सकते हो, चलते फिरते कर सकते हो, कहीं भी आप कर सकते हो किसी जगह पे, लेकिन एक बार 1000 बार बाथरूम में किया हुआ जप और 1 बार गुरु जी के औरा में, गुरु जी के रूम में बैठा कर किया हुआ जप इज इक्वल, बट आप कहीं से, गुरु जी चाहते हैं कि कहीं से शुरुआत करो, कहीं से शुरुआत करो, हम हर चीज के लिए टाइम निकालते हैं, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए, तो हम गुरु जी के लिए भी हर रोज हमें थोड़ा थोड़ा टाइम जरूर निकालना चाहिए, एक बार आप आधा घंटा नहीं बैठ सकते तो दिन में 5 बारी बैठो, 4 बारी बैठो, या सोती बारी बैठो 10-15 मिनट, जैसे भी हम, आप सबको पता है कैसे टाइम मैनेजमेंट सबको आता है, तो हमको अपना टाइम मैनेज करना चाहिए, और गुरु जी के लिए मैंने जो सीखा है वो यही सीखा है कि पाठ हमें गुरु जी के लिए करना चाहिए, हमें कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, बार बार मैं यही कहूंगी, और शायद मैंने गुरु जी के 6 साल में गुरु जी के पास गई हूँ, मैं 6 फिजिकली जब गुरु जी थे, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं मांगा और कुछ दिया नहीं, गुरु जी ने जो मेरे टेस्ट दिए सब में फेल,
फिर भी गुरुजी ने मुझे इतने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। तो जिन्होंने टेस्ट पास किए होंगे या जिन्होंने फर्स्ट डे सरेंडर किया होगा, उनको तो पता नहीं क्या ही मिला होगा। बट ऐसा नहीं कि गुरुजी ने मुझे कोई भी आशीर्वाद छोड़ा हो, सब आशीर्वाद मुझे गुरुजी ने दिए हैं। और मैं यही कहूंगी कि मुझे अब ऐसा लगता है कभी कभी कि जब भगवान धरती पे आते हैं तो पूरी टीम लेके आते हैं। कोई एक वीआईपी भी कहीं किसी के पास जाता है तो वो अकेले नहीं जाता, भगवान कैसे अकेले आएंगे। तो वो जो जैसे मटकन आंटी हैं, शिव अंकल हैं, मुझे सब लगता है वो सब गुरु जी की ऊपर से टीम आई है। उन्हीं लोगों में से है जो बहुत जल्दी, जैसे सिंगला अंकल है, बहुत जल्दी समझ गए कि वो भगवान है। और चाहते तो गुरु जी हमें भी बता सकते थे। मैं तो इतना जाती थी फ्रीक्वेंटली, पर सबका टाइम होता है तभी गुरु जी, जब आप रिसेप्टिव हो गए तभी गुरु जी आपको समझा देंगे सब बातें। हमारा ये आजकल जो गुरु जी ने जूम पे सत्संग शुरू करवाए, उसमें से हमको सिर्फ यही करना है कि हर सत्संग में से जो भी सुने उनको फॉलो करना चाहिए, गुरु जी के वचन फॉलो करना चाहिए, तब गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। गुरु जी ने एक बार मुझे खुद कहा था, गुरु जी करते हो, गुरु जी बोलते हैं तो सुनते नहीं, क्योंकि गुरु जी कहते थे वो तो हम गुरु जी की फिजिकल लाइफ में तो हमने नहीं किया कुछ भी, सब बाद में समझ नहीं हमें आई, क्योंकि हम दिन रात गुरु जी को मिस करते थे, सोचते रहते थे उनके बारे में। तो हमें धीरे धीरे गुरु जी ने समझाना शुरू किया। अब मुझे गुरु जी ने रियली समझाना शुरू किया, अंकल सॉरी मैं आज अपनी बीमारी का सत्संग नहीं कर पाई और अब टाइम हो गया है, मैं फिर कभी नेक्स्ट टाइम करूंगी। जय गुरु जी, मल्टीलिंगुअल पेज का बहुत बहुत शुक्राना, आप बहुत ब्लेस्ड हो, आपको गुरु जी ने इतना आशीर्वाद दिया है जो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड से और ये काम कर रहे हो और सारी बुक्स ट्रांसलेट कर रहे हो डिफरेंट लैंग्वेजेस में। इसलिए ऐसा मैं ये भी नहीं मानती कि कोई पुरानी संगत है या कोई नई संगत है, सब गुरु जी की संगत है, सब क्यों में है, सब कोई आगे है कोई पीछे है। जय गुरु जी, संगत जी, संगत गुरु जी माफ करे मुझे अगर मैंने कुछ गलत बोला, मुझे गुरु जी से बहुत डर लगता है। और संगत भी प्लीज इग्नोर अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा हो तो।